हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन नवंबर 2022। तो बात करें अगर अभी तो दिवाली का महीना यानी अक्टूबर खत्म हो चुका है और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जो सेल थी वो भी अब खत्म हो चुकी हैं। इस सेल में हमें कई सारे नए स्मार्टफोन्स अच्छी कीमत पर देखने को मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवंबर में स्मार्टफोन्स अब आपको अच्छे वाले दिखेंगे नहीं एक अच्छी कीमत पर। दोस्तों इस महीने की अगर बात करें तो इस महीने कई सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं जो कि एक बेस्ट प्रोसेसर के साथ आएंगे जो है स्नैपड्रैगन 8 जेन 2। और इसी मंथ हो सकता है कि आपको रेडमी की नोट 12 सीरीज देखने को मिले और रेडमी नोट 12 सीरीज को टक्कर देने के लिए हो सकता है कि रियलमी अपनी 10 सीरीज लॉन्च कर दे। तो आइए बात करते हैं उन स्मार्टफोन्स के बारे में जो नवंबर मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप भी एक अच्छा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं नवंबर मंथ में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सारे स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे इस मंथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे न्यू अपडेट्स को मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें हमारी लिस्ट की फर्स्ट सीरीज के बारे में तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से आ सकती है 12T सीरीज। अगर बात करें इस सीरीज़ के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स क्या आपको देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों Xiaomi की अगर बात करें 12T सीरीज की तो ये एक फ्लैगशिप सीरीज है जो आपको इसी महीने क्वालकॉम के टेक समिट के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इस सीरीज की तो चाइना में ये रिसेंटली ही लॉन्च किया जा चुका है। इसके दो स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको 12T जो कि मीडियाटेक 8100 चिपसेट के साथ आता है और एक प्रो मॉडल है Xiaomi 12T प्रो जो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के साथ आता है। साथ ही अगर बात करें प्रो वेरिएंट के कैमरा स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसी स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपको एक माइक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें बैटरी स्पेसिफिकेशंस की तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ ही 120W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें हमारी लिस्ट की सेकंड सीरीज के बारे में तो वो अगेन रेडमी की तरफ से आने वाली है रेडमी नोट 12 सीरीज, और इसको भी रिसेंटली चाइना में लॉन्च किया जा चुका है। और इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें जो इसके सीरीज के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च होंगे तो इसके Redmi Note 12 Pro में आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी अंडर 25,000। वहीं आपको एक और स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है इसी सीरीज के अंदर Redmi Note 12 डिस्कवरी एडिशन, जिसमें आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही 210 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकती है। और 210 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाला ये हो सकता है कि अभी इंडस्ट्री में पहला स्मार्टफोन हो। अगर बात करें चाइना में जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसकी तो अभी उसकी प्राइस है 27,000 रुपये इंडियन करेंसी में। दोस्तों हो सकता है कि इसी प्राइस रेंज में इंडिया में भी लॉन्च हो। अगर बात करें थर्ड स्मार्टफोन की जो कि आपको नवंबर मंथ में देखने को मिल सकता है तो वो है IQ Neo 7। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि IQ Neo 6 काफ़ी ज़्यादा बिका है मार्केट में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है कंपनी को, तो इसी का सक्सेसर आपको IQ Neo 7 के तौर पर नवंबर मंथ में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की तो ये दोस्तों चाइना में लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस एक AMOLED 120Hz के साथ डिस्प्ले देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस के तौर पर अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के रैम एंड रोम वेरिएंट की तो इस स्मार्टफोन में आपको 12GB तक की रैम सपोर्ट देखने को मिल सकती है और साथ ही 512GB तक की आपको इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर बात करें चार्जिंग स्पीड की तो IQ Neo 7 में आपको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जबकि Neo 6 में केवल 80 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट थी। तो यहाँ पे थोड़ा अपडेट देखने को मिलेगा IQ Neo 7 में IQ Neo 6 के कंपैरिजन में। और साथ ही आपको फोटोग्राफी फीचर्स के तौर पर 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि सोनी IMX766V सेंसर के साथ आएगा, और 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपको एक माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसको मिलाकर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा IQ Neo 7 में। अगर बात करें हमारी लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तों आपको नवंबर मंथ में देखने को मिल सकता है OnePlus का Nord 3 स्मार्टफोन। तो दोस्तों OnePlus भी ये Nord सीरीज का अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन नवंबर मंथ में लॉन्च कर सकता है,
और इस स्मार्टफोन की कीमत हो सकती है कि 30,000 रुपए तक लगभग हो। और इस प्राइस रेंज में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन में, तो दोस्तों अगर बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.7 इंचेस के एक फुल एचडी प्लस 120 हर्ज वाली एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक का 8100 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात करें फोटोग्राफी फीचर्स की, तो इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। अब वहीं अगर बात करें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की, तो इसमें आपको 150 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के नेक्स्ट सीरीज के बारे में अगेन, बिकॉज ये सीरीज आ सकती है Realme की तरफ से, Realme 10 सीरीज। जब Redmi अपने सबसे पॉपुलर फोनों की नई सीरीज ला रहा है, तो फिर Realme कहाँ पीछे रहने वाला है। Realme भी अपनी नई सीरीज लॉन्च करने वाला है जैसा Redmi कर लॉन्च करता है। दोस्तों ये सीरीज आपको नवंबर मंथ में ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर बात करें Realme 10 सीरीज की, तो इस सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकती हैं, Realme 10 और Realme 10 Pro Plus। अगर बात करें इस स्मार्टफोन में क्या आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, तो Realme 10 Pro Plus की बात करें, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 1080 का चिपसेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें Realme 10 Pro Plus की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.7 इंचेस के एक बड़ी फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही बैटरी स्पेसिफिकेशंस के तौर पर 5000 mAh की एक बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की, तो इसमें आपको 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात करें Realme 10 के बारे में, तो दोस्तों वो जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा इसी सीरीज के अंदर, इस स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस के तौर पर MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। और इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो 6.4 इंचेस की आपको फुल HD प्लस एक 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें फोटोग्राफी फीचर्स की, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको ट्रिपल रियर कैम सेटअप देखने को मिलेगा। साथ ही आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ये रहे बेस्ट स्मार्टफोन्स जो आपको नवंबर मंथ में देखने को मिल सकते हैं, आप इन स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और अगर बात करूं मैं मुझे कौन सा स्मार्टफोन इनमें से बेस्ट लगा, तो मुझे इन स्मार्टफोन में IQOO Neo 7 सबसे बेस्ट लगा है। सो आप उसको भी चेक कर सकते हैं जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।